हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी इस वीडियो में। आज हम लोग 24 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले चलिए, किस देश में एक दशक के बाद हाल ही में पोलियो का पहला मामला देश दर्ज हुआ? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, जून 2022 में इसके आप उनके लक्षण दिखाए गए। फिर आता है भारत और किस देश के बीच भारत में ऐतिहासिक गेंद के चीतों के फिर से लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो किसके बीच? नामीबिया के। भारत और नामीबिया बहुत दिनों से मतलब हस्ताक्षर समझौते पर ज्ञापन हुए। इसमें 8 चीते लाए जाएंगे जिसमें 4 नर और 4 मादा होंगे। अगस्त 2022 में भारत पहुंचने की संभावना है। इन्हें मध्य प्रदेश के कूना राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। फिर आता है हाल ही में जारी इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक, मणिपुर और कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो कौन सा रहा? चंडीगढ़। कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ क्या रहे हैं? फर्स्ट स्थान पर रहे हैं। इस इंडेक्स के अनुसार से नवाचार प्रदर्शन पर रैंक करता है। किसके लिए? नवाचार प्रदर्शन यानी कि आविष्कारों पर रैंक करता है। फिर आता है किस देश में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता हुई? तो कहाँ हुई? जर्मनी में बर्लिन में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता हुई। ये क्या है? COP26। ये अनौपचारिक वार्ता थी। ये COP27 की मेजबानी कौन करेगा? जर्मनी और मिस्र करेंगे, ठीक है। अगला क्या आता है? भारत का कौन सा पोर्ट भारत का पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? तो कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का यह पहला 100% लैंड लॉर्ड मॉडल बंदरगाह बन गया है। परिणामस्वरूप क्षमता और उत्पादकता में बढ़ोतरी व सुधार में PPP प्रणाली के तहत रियायत देने वाला प्राधिकार और रियायत पाने वालों के बीच पहला समझौता सफल रहा। फिर आता है किस देश के प्रधानमंत्री मारियो डेगरी ने पद इस्तीफा दे दिया? किसने? इटली। किसके कारण? महंगाई के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये महंगाई कंट्रोल ना कर सके इस कारण। निम्न में से कौन सी किसे ONGC प्रस्ताव लाया गया? प्रस्ताव में मना कर दिया। धन्यवाद प्रस्ताव पुष्पाश प्रस्ताव पर पारित नहीं होना। फिर अगला था, निम्न में से किसे ONGC का विदेश लिमिटेड का अभिनय बनाया गया? तो किसे बताया गया? राजशील गुप्ता। किसके स्थान पर बनाया गया? आलोक गुप्ता के स्थान पर, ठीक है। इनका कल पिछले साल कार्यकाल खत्म हो पिछले महीने कार्यकाल खत्म हो। फिर उकला के स्पीड ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 भारत का स्थान कौन सा? 118वां। पहले भारत में कितनी स्पीड थी? 14.28 Mbps और 14 अब कितनी है? 14 Mbps यानी कि कम हुई है, ठीक है। 118वें स्थान पर है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। धन्यवाद आपको देखने के लिए।